बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, मोड किया था डिस्क्रीट सीरीज में। आज हम मोड कर रहे हैं कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो मोड कॉन्टिन्यूस सीरीज, हेडिंग लिखो बेटा जल्दी से। हेडिंग सामने लिखती है वो ही डालनी आपके पास भी नहीं है। किस किस के पास पेन नहीं है आज? अभी उधर से लाके दे दूंगा, 2 मिनट रुक बेटा, जल्दी से हेडिंग लिखो, बात ना हो आपस में। हेडिंग लिखो, मोड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हम कौन सी सीरीज में मोड निकालना सीख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें दो मेथड लिखो, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। जल्दी से बात ना हो, पहले इंस्पेक्शन मेथड करेंगे देन ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन मेथड में जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन करो, ये है इंस्पेक्शन मेथड में, जेड इज इक्वल टू इंस्पेक्शन मेथड में L1 + F1 - F0 upon 2F1 - F0 - F2 (I) इंस्पेक्शन में। ग्रुपिंग अभी इसके बाद, और ग्रुपिंग में ये तो अप्लाई होगा ही होगा, पहले ये इंस्पेक्शन में लिखो। लिख लिया बेटा, अब इसे लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझ। आपको एक्स दे रखा होगा, आपको एफ दे रखा होगा, एक्स भी नहीं सी आई दे रखा होगा। ये बात, जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दिखेगी उसके आगे हम क्या लिख देंगे? F1, उससे पीछे वाले को F0 और उसके अगले को F2, और फिर सीधा पुट कर देंगे, काम खत्म। क्यों, क्या क्या चाहिए? अच्छा, L1 क्या होगा? जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो मोड क्लास सेलेक्ट होगी, और जो उसकी लोअर लिमिट होगी, L1 होगी लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, F1 होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F0 होगी जो मोड क्लास से प्रीवियस क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, 2F1 का मतलब 2 × फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F0 F2 आप पे आ चुका होगा, और I भी किसका लेना है? मोड क्लास का लेना है। इन शॉर्ट सब आ जाएगा अगर आपने एक बार क्या सिलेक्ट कर लिया, एक बार अगर आपने F1 सेलेक्ट कर लिया। इंस्पेक्शन मेथड इसीलिए तो इसे कहा है, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी भी है, लिखने की जरूरत नहीं है। जेड का मतलब क्या है? जो मोड की वैल्यू आएगी। L1 का मतलब क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F1 का मतलब क्या है? मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, जो उससे पहली मॉडल क्लास से पहली क्लास है उसकी F0, जो उसके बाद है वो F2। क्वेश्चन करते हैं सीधा इंस्पेक्शन से, लिखो इसे, नोट डाउन करो, इस फॉर्म में ही कर लो नोट डाउन। मीन्स वर्टिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन को लिखना।
किसकी तबीयत खराब होगी? डाउन फील कर रहा हूँ। ऐसा क्या कर लिया जो डाउन फील करने लगा? कर लिया बेटा नोट डाउन। बेटा देखो, इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी थी? सेवन, तो उसके आगे क्या लिख दिया? उससे पहले क्या लिख दिया? और उसके बाद, और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी जो उसके सामने थी वो मॉडल क्लास, तो L1 क्या हो गया? 20। मेन है सब मतलब डिसाइड करना। अब तो फॉर्मूले पुट करो जल्दी से, लिखो जेड इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। सारी वैल्यूज रख दो। L1 हो गया 20, पेन चलने लग गया बेटा। लिखो इसे, L1 हो गया 20, ऐसे ही F1 F0 सबकी वैल्यू पुट करो जल्दी से। कर लिया बेटा सबने? कर लिया बेटा नोट डाउन। इंस्पेक्शन मेथड तो इजी है, ग्रुपिंग भी इजी है, लेकिन ग्रुपिंग कराने से पहले एक आधा इंस्पेक्शन से कर लेते हैं ना। इस क्वेश्चन नंबर 1 को इंस्पेक्शन से करो अभी बेटा। मैंने अभी आपको इंस्पेक्शन मेथड कराया, अब मुझे कौन सा मेथड कराना है? ग्रुपिंग। बात को ध्यान से समझना बेटा, जो डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग अगर जिसने समझा था वो सेम टू सेम अप्लाई होगा, इसमें एडिशनल क्या होगा समझ लो। करोगे आप खुद ही। डिस्क्रीट सीरीज में क्या बताया था? ये तो आपको वहां पे एक्स और एफ दे रखा होता है, यहाँ एक्स की जगह क्या दे दिया? सी आई। और एफ को हम क्या मान लेते हैं? फर्स्ट कॉलम। कुल मिला के 5 कॉलम और बनाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकंड कॉलम के आगे क्या लिखा मैंने? 1 + 2। थर्ड कॉलम के आगे क्या लिखा? 2 + 3। फोर्थ कॉलम के आगे 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। आपको पता है कैसे निकलते हैं? यहाँ पे दो दो फ्रिक्वेंसी को ऐड करके फर्स्ट से एड ऑन किया, यहाँ फर्स्ट को छोड़ के फिर दो दो ऐड करी, यहाँ तीन तीन, फर्स्ट को छोड़ के तीन, और जिसमें एक ही 3, 4, 5 बना, उसके बाद बन नहीं पाएगा। ग्रुपिंग के बाद आपको पता है क्या बनाते हैं? एनालिसिस टेबल। यहाँ पे बस क्या लिख देते थे? एक्स लिखते थे, यहाँ क्या लिखा? सी आई लिखा। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग राइट लगाया, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस किस की है? 10 10। किसकी? 10 15 और 20 25। ऐसी राइट लगाते थे, समझ में आया? वहां पे जब हम ये करते थे, डिस्क्रीट सीरीज अगर आपने समझी है, वहां पे जब हम ये करते थे तो डायरेक्ट हमारे पे क्या आता था? मोड का आंसर आ जाता था कि इसको सबसे ज्यादा राइट मिले, तो मोड क्या मिल जाएगा? 22 25। वहां पे क्योंकि एक नंबर होता था तो मोड आता था। यहाँ पे क्या निकल के आएगी? मॉडल क्लास। जब ये मॉडल क्लास निकल के आएगी तो इसके आगे का लगाएंगे F1, इसे F0, इसे F2, और फिर दोबारा जो इंस्पेक्शन मेथड में हम फॉर्मूला पुट करते थे, L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। फर्क क्या है? वहां पे डिस्क्रीट सीरीज में सीधा आंसर आता था, इसमें मॉडल क्लास आएगी, और मॉडल क्लास के बाद क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। अब ये जो एनालिसिस टेबल है, ये डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही है, इसे मैं दोबारा अगर आपको थोड़ा सा वो समझा दूं, यहाँ पे कुछ हमने यूनिक नहीं किया। बात को बस ध्यान से देखना और समझना है। क्या ध्यान से देखना और समझना है बात को?
सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? 19। वो जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 और 9 को ऐड करके आई है, वो कौन से क्लास इंटरवल की थी? 20 से 25 और 25 to 30। तो सेकंड कॉलम में एक राइट कैसे मिला? 20 से 25 और 25 to 30। ऐसे हर एक कॉलम के लिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? राइट। फिर यहाँ पे राइट्स का टोटल किया, सबसे ज़्यादा राइट किसे आए हैं? 20 से 25। अभी आप देख के बनाओ, बिना देख के बनाओ अच्छी बात है। फिलहाल ये ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, और उसे फिर हम जेड के मोड के फॉर्मूले को पुट करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अभी इसे जल्द बताओ बेटा। बिल्कुल बेटा, इंस्पेक्शन मेथड वाला ही लगेंगे, लेकिन बस इंस्पेक्शन मेथड में क्या था, वहाँ डायरेक्ट ही F1 सेलेक्ट कर लिया था, वहाँ डायरेक्ट मॉडल क्लास सेलेक्ट कर ली थी, या मॉडल क्लास डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करी? पहले कौन सी टेबल बनी है? ग्रुपिंग। फिर कौन सी टेबल बनेगी? एनालिसिस। उसके बाद जाके मैंने क्या करा है? डिसाइड किया। तो जल्दी से बनाओ ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल।